भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पहले 100 करोड़ फिर 10 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार जयेश पुजारी की रिमांड न्यायालय ने 24 अप्रैल तक बढ़ा दी है जयेश पुजारी के आतंकी संबंधों की जानकारी के बाद से बेहद ही गोपनीयता के साथ इस मामले में पुलिस गहन जांच कर रही है भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके जनसंपर्क कार्यालय में फोन कर पहले 100 करोड़ और दोबारा 10 करोड़ रुपए का हफ्ता मांगने के आरोप में गिरफ्तार जयेश पुजारी उर्फ सलीम शाहिर की शुक्रवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने जयेश पुजारी को दोबारा चौबीस अप्रैल तक पुलिस रिमांड आरोप भेज दिया है सूत्रों के अनुसार जयेश पुजारी का आतंकी कनेक्शन की बात पता चलते ही बेहद सतर्कता के साथ अब एन की टीम नागपुर आकर उससे पूछताछ करने वाली है हालांकि एनआईए की टीम शुक्रवार को नागपुर आने की खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में थी लेकिन एक आला पुलिस अफसर के अनुसार शुक्रवार को एनआईए की टीम नागपुर में दाखिल नहीं हुई थी इस बीच जयेश पुजारी के बारे में यह भी खबर सामने आ रही है कि केरल के पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा को भी मारने की साजिश बेलगांव जेल में रची गई थी जिसमें पुजारी भी शामिल था जयेश कांथक के बारे में जांच कर रही टीम पूरी गोपनीयता बरत रही है जयेश का नेटवर्क केरल बेंगलुरु और मंगलुरु के अलावा देश के बाहर भी है इस बार पुलिस इस प्रकरण को लेकर बेहद गंभीर है जयेश और उसके साथियों ने बेलगांव जेल में रहने के दौरान किन नेताओं को धमकाया और उनके कार्यालय के नंबर किस तरह से आरोपी जयेश कांथा तक पहुंचे इस बारे में भी छानबीन की जा रही है कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान बी न्यूज नागपुर